अस्सलामुअलैकुम। एग्जीबिशन लगी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में, ये हम विज़िट करने आए हैं। अरे वजह मैं यूट्यूब से चढ़ा, डिफरेंट प्लांट्स फार्मर्स के लिए, नोजल्स, नूरी एग्रो लाइंस, ये जी पॉट्स, ये वाला कुछ गार्डन सेंटर, देन ये प्लांट्स, लव नेचर क्लब, गार्डन डिजाइन एंड मेकओवर, लैंडस्केपिंग डिजाइन, टारगेट USDA टारगेट एक्शन कंट्रोल क्या है? मिल स्कीम नहीं है, मिलर ट्रैक्टर के दो मॉडल हैं, 50 हॉर्स पावर से लेके 85 हॉर्स पावर तक, ठीक है। जो जिम्मेदार आपकी जेब के मुताबिक जी जो आए ट्रैक्टर वो ले सकता है, ठीक है। मिलर ट्रैक्टर अगर हमारे हर ज़िले में हमारा डीलर है, हमें डीलर के पास जाए उसके डोर स्टेप पे उसे ट्रैक्टर मिलेगा, ठीक है। और सर आप किस तरह किस्तों वगैरह भी देते हैं? मिलर ट्रैक्टर किस्तों पे नहीं देता, मिलर जो मेन जिम्मेदार का बैंक है, जरूरी तरक्याती बैंक है, ZTBL, उसके अलावा तमाम कमर्शियल बैंक जी ये लोनिंग दे रहे हैं, ठीक है। आप बैंक के पास जाएँ, अगर आपको मसला हो हमारे आपने मुतलका डीलर से रब्ता करें, आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगा, ठीक है। जी आप बताएं इनके प्लांट के मुताबिक थोड़ा मैं डिटेल बता दें। ये पैची पोडियम है जी, ये उसकी वैरायटी है जी। आगे आ जाते हैं ये दूसरा, ये फोर भी आ जाते हैं, ये भी उसके अंदर को वैरायटी वगैरह है, और ये अगेब वगैरह है, अगेब के अंदर वैरायटी है, ये गस्टीरिया है, और ये हमारा हबर दिया, ठीक है। तो और हम रखने के बाद आगे जो रखे हैं सन सीबीरिया जाएंगे, कैक्टस है, और ये एलोज की वरायटी है। सर जो आपकी जो बेस्ट सेलिंग हो या अच्छी वरायटी सबसे ज़्यादा जो बेस्ट सेलिंग हो वो हमारी एलोज है, ये वाली जो ये वाली, और ये फार सेल नहीं है, ठीक है। फार सेल हमारे सिर्फ ये वाला सर, ये वाला कोशिश ये फार सेल है, ये थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी, अब बताएंगे कि किस तरह ये आपने हिम से ये धागा वगैरह। हाँ जी, दोबारा करें। मेरा नाम है अहमद नज़ीर, मैं हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फाइबर एंड टेक्सटाइल में। तो हमारे डिपार्टमेंट ने इस दफ़ा जो है ना बनाना से फाइबर एक्सटेंड, ठीक है, बनाना से, और बनाना से हमारे पास जो होती है ना डिकोर्टिकेटर मशीन, उसमें हम स्टैम्प को डालते हैं तो वो वापस फाइबर हमें निकाल के देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम केमिकल उसके साथ एनालाइज करते हैं, केमिकल के थ्रू रिएक्शन कराते हैं उससे, फिर उसके ये रेशे बनते हैं जो स्ट्रेट हम बाद में से वॉर्मिंग के थ्रू ना स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है। फिर बाद में ब्लीचिंग आ जाती है, ब्लीचिंग ब्लीचिंग के थ्रू हमारे पास ये कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, मतलब साफ कर देते हैं। अब ये जो है ना इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल टूट जाता है, तो इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज और जो ड्यूरेबिलिटी है बढ़ाने के लिए हम इसे कॉटन के साथ ब्लेंड करते हैं, ठीक है। ये है 60-40 का ब्लेंड और ये 80-20 का ब्लेंड, ठीक है। ये 80-20 ब्लेंड की नहीं है और ये 60-40 ब्लेंड के साथ, इसी तरह ये फिर आगे हैंप आ जाती है, ये हैंप रेडी प्रोसेस से हमें निकाल निकलवाई जाती है,
इसका रेटिंग प्रोसेस ये है कि जैसे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया ना, अब ये यान में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम इसके साथ ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड यूज करते हैं, कोई भी ब्लेंड यूज करते हैं। हमने किया कॉटन के साथ ब्लेंड, और जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कॉटन से भी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और ये बैक्टीरियल डिसइंफेक्टेड है, मतलब कि इससे जो हो सकता है फंगल इफेक्ट इन्फेक्शन वो भी नहीं हो सकता। बाकी ये उसका टारगेट। और ये इनकी जो प्राइस वगैरह, प्राइस ये भी रेडी टू मार्केट नहीं है, नहीं, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। बिजली डिपार्टमेंट उसमें से सोलर पैनल बिल्कुल नॉर्मल, ये जी हिम से पेंट तैयार की गई, यानी कि पंख से बहुत पता है मुझे।